बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स। में मैं आज आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ और अपनी आज मैं इस न्यू वीडियो में आपके लिए एक फेस पैक लेकर आई हूँ, ब्लैक फेस पैक। इसको मैं आपको अपने घर में ही बनाना सिखाऊंगी और आपको इसके लिए कोई न्यू इंग्रेडिएंट्स लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर बैठे बैठे आप अपने घर से ही चीज़ें लेकर ये मास्क, फेस मास्क, वाइटनिंग मास्क बना सकते हैं। तो मैं आपको अब ये फेस मास्क बनाना सिखाऊंगी और बताऊंगी इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके लिए आप देख सकते हैं आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, चूल्हा जलाना है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, हल्की आंच ही रखनी है। और इस तरह किसी भी बर्तन में आप लें, कोई भी छोटा बर्तन, और उसमें आप एक चम्मच भर कर हल्दी का डालें और इसको आप अच्छे तरीके से पकाएं। जब तक ये अपना कलर नहीं चेंज कर लेती, मतलब कि जैसे कि इसका कलर नहीं चेंज होता था, डार्क ब्राउन जैसे, ब्लैक जैसे कि, तो आप इसको इसी तरह पकाते रहें और हिला चम्मच इसमें चलाते रहना, अपने इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहना, इसको आपने छोड़ना नहीं है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से पका लिया और इसका कलर ब्लैक, फुल ब्लैक हो चुका है। अब आप देख सकते हैं ये हमारी हल्दी बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको ठंडा होने के लिए कटोरी में छोड़ दिया था, अब ये ठंडी हो चुकी है। तो इसमें मैं एक चम्मच हनी ऐड करूँगी, यानी कि शहद। अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें हनी डाल दिया, इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, मिक्स अच्छे तरीके से। इसको आपने ज़्यादा थिक नहीं रखना और ना ही ज़्यादा पतला करना, इसको आपने सही सही रखना है, नॉर्मल। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर आपको लगे आपका पेस्ट अभी ठीक है तो इसमें और हनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है, इसमें मुझे और हनी की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा फेस मास्क तैयार है, इसको मैं इस तरीके से अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। इसको मैं 20 मिनट तक अपने फेस पर इसी तरीके से लगाकर छोड़ दूँगी, अच्छी तरीके से अप्लाई कर। अब मैं इसको, अब आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया, मैं इसको लगाकर छोड़ रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लिया है अच्छी तरीके से, और आप इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं कितना अच्छा आया है। और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका, ये वाइटनिंग फेस मास्क है। ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा और बहुत ज़्यादा नीटनेस लाएगा और हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा वाइटनिंग आएगी। इसको आप वीक में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और आप इसको यूज़ करें, इसके डेली के यूज़ से आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।